राजेश जी हैं जो कि उज्जैन से हैं और आज इन्होंने पूरा दिन हमारे साथ बिताया है, हमने इनकी हेयर ग्राफ्टिंग की है। तो राजेश जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा आज पूरे दिन इस हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान। सुबह से ही मैं यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मॉर्निंग में आते समय मुझे लगा था कि शायद ये बहुत ही डेंजर प्रोसेस या कुछ इस टाइप की प्रोसेस है जो शायद जो मैंने सुना था लोगों के मुंह से कि इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इस टाइप से कुछ होगा। बट जैसे ही मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ टीम से मिला और जैसे ही मैंने यहाँ की सारी प्रोसेस समझी और देखी और ट्राई करवाई अपने ऊपर, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल प्रोसेस है जो हर आदमी बड़ी आसानी से करवा सकता है। और मैं आपके सामने हूँ पूरी प्रोसेस करवाने के बाद, बिल्कुल कम्प्लीट हूँ और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि इस टाइप की कोई प्रोसेस है नहीं कि इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इस टाइप से कुछ बहुत ज्यादा पेन होता है या ऐसा कुछ होता है। सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में डर रहता है वो दर्द का रहता है, पेन का रहता है। तो आप पेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि शुरू से लेके अभी, शुरू से लेके अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट किया उसमें पेन जो था वो असहनीय पेन था कि हम उसको सहन कर सकते हैं या थोड़ा बहुत पेन? सर मेरे को भी लगा कि शायद पेन बहुत ज्यादा होगा, बट जैसे ही मेरे से टीम पूछती भी गई कि कोई पेन हो रहा है, किस तरीके का कुछ हो रहा है, तो मैं बोला कि शायद पेन कम हो, टीम से बोला कि पेन कम हो, बट उनका यह कहना था कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है सर, पेन वाली प्रोसेस से आप गुजर चुके हो, अब आपको कोई पेन होना नहीं। तो पेन होने से पहले ही पेन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैं भी मानता कि बड़ी कंफर्टेबल प्रोसेस है ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। धन्यवाद राजेश जी अपना फीडबैक आप शेयर करने के लिए और हम आपके स्वस्थ रहने की और अच्छे बालों की कामना करते हैं।